वेलकम दोस्तों। एक समय था जब इलाइट i20 बेस्ट प्रीमियम हैचबैक थी, पर समय के साथ हर चीज अपडेट होनी जरूरी है और इस बात को हुंडई वाले समझ गए, तो उन्होंने i20 का नया जनरेशन लॉन्च करने का सोचा। तो ये गाड़ी इंटरनेशनल मार्केट में शोरूम्स पे आ गई है। तो अभी तक इंडिया में नया जनरेशन लॉन्च नहीं हुआ है, इस साल के फेस्टिव सीजन में ये कार लॉन्च हो सकती है। तो i20 कम्पीट करेगी टाटा अल्ट्रोज, फोक्सवैगन पोलो, बलेनो और ग्लांजा जैसी गाड़ियों को। देखने में बहुत अच्छी लगती है ये कार, आप देख सकते हैं। जब ये टेस्टिंग फेज में इंडिया में देखी गई थी तब इसका लुक बहुत लोगों को पसंद नहीं आया था, पर अब इंटरनेशनल मार्केट में क्लीनर लुक देखने के बाद इसका लुक सच में काफ़ी अच्छा दिखता है। ट्रायंगुलर शेप में इसकी फॉग लैंप्स की हाउसिंग रहेगी। नई जनरेशन वाली i20 का फ्रंट लुक काफ़ी क्लीन और नीट है। इसमें आपको LED हेडलैम्प्स DRL रहेंगे। इसकी जो आउटसाइड मिरर्स है उसका डिज़ाइन भी थोड़ा चेंज किया है। जो व्हील साइज की बात करें तो इसमें 16 इंचेस के व्हील्स रहेंगे और जो टॉप मॉडल है उसमें 17 इंचेस के भी अलॉयज मिल सकते हैं, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट होगा। टिपिकल हुंडई ग्रिल है जो काफ़ी अट्रैक्टिव रहती है। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन चेंज भी हो सकता है, पर ये डायमंड कट में ही रहेंगे जो कि आज के तारीख में बहुत पॉपुलर है। अगर i20 का 17 इंचेस व्हील्स मिलेंगे तो ये फर्स्ट इन सेगमेंट होंगे। इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट ज़्यादा रहेगी, व्हील बेस भी स्लाइटली ज़्यादा रहेगा और ये बेस्ट होंगी MQB प्लेटफॉर्म पे। टेल लैंप्स की बात करें तो ये LED में रहेंगे और ये जेड शेप में है, जो कि एक यूनिक लुक है। आपको इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? तो बात करते हैं करंट जनरेशन वाले i20 से इसमें क्या ज़्यादा है, क्या फीचर्स ज़्यादा है। इसमें आपको एयर प्योरीफायर भी मिल सकता है, लेकिन हुंडई की तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं है। होप कर सकते हैं कि एयर प्योरीफायर भी मिले। ज़्यादा लेग रूम, बूट स्पेस, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ब्लू लिंक विद लॉट ऑफ फीचर्स, रिमोट इंजन स्टार्ट भी मिल सकता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वरना जैसा ही रहेगा। इसमें आपको शार्क फिन एंटीना भी मिलेगा, रियर एसी वेंट भी रहेंगे, प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स रहेंगे और क्रेटा टाइप स्टेयरिंग व्हील मिलेगा जो कि क्रेटा में आता है। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो करंट जनरेशन में जो क्रेटा में आता है वही स्टेयरिंग व्हील आपको i20 में भी दिखने को मिलेगा। तो इंजन ऑप्शंस की बात करें तो कौन से इंजन रहेंगे? नई जनरेशन वाले i20 के इंजन ऑप्शंस की बात करें तो 1.5 लीटर डीजल इंजन रहेगा, जो कि हुंडई का सबसे रिफाइन इंजन है। डीजल होने के बावजूद काफ़ी साइलेंट रहता है और आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल का भी ऑप्शन मिलेगा, जिसमें ऑल ब्लैक इंटीरियर्स रहेंगे जो गाड़ी को काफ़ी स्पोर्टी बनाते हैं, और 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन भी रह सकता है जो कि 4 सिलेंडर होगा। तो इस कार की वेरियंट्स की बात करें तो डेफिनेटली ये इरा मैग्ना स्पोर्ट्स एस्टा वेरियंट्स में आएंगे। प्राइस की बात करें तो ये 6 लाख से 9 लाख एक शोरूम रहेंगी। ट्रांसमिशन ऑप्शंस की बात करें तो हुंडई आपको IMT का ऑप्शन भी दे सकता है और मैनुअल भी रहेगा। DCT भी मिल सकता है टर्बो वेरियंट में। लॉन्च डेट की बात करें तो ये फेस्टिव सीजन में लॉन्च हो सकती है। अगर आप प्लान कर रहे हैं इस सेगमेंट में कौन सी भी गाड़ी आप देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली हुंडई i20 का वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा पैकेज है। तो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।